हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चना चाट की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और कम टाइम में आप लोग घर पे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही चटपटी बन के तैयार होती है। इसको आप लोग किसी भी टाइम नाश्ते में या टी टाइम में भी ले सकते हैं। आजकल तो रमज़ान चल रहे हैं और घर घर में चना बनता ही है, तो क्यों ना इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने काले वाले चने लिए हैं, जो छोटे चने आते हैं वही हैं, और इसको रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था, तो ये अच्छे से सोख हो चुके हैं। अब इनको चलते हैं, पहले बॉईल कर लेते हैं। तो एक कुकर में सारे चने को ट्रांसफ़र कर देना है, और अब यहाँ पे पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये गलने तक का ही हम लोग पानी डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि नमक चने में अंदर तक पहुंच जाए। और अब इसमें 4 से 5 विसल आने तक इसको कुक करेंगे। अगर आपके चने देर से गलते हैं तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे चने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब इसमें यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज को फाइन चॉप करके डाल देंगे, और एक टमाटर इसको भी फाइन काट के डाल देना है, और 3 से 4 हरी मिर्च को महीन महीन कट करके डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हरी मिर्च को ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नमक डाला है, और 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, और इनको काफ़ी अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। अब ये यहाँ पे मैंने हरी चटनी ली है, इसको मैंने धनिया, लहसुन और हरी मिर्च डाल के फाइन पेस्ट बनाया है इसका। इसको डाल देंगे इसमें, इससे चटनी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये एक मीठी चटनी है, इसको भी इसमें डालना है। ये इमली और गुड़ वाली चटनी है, और एक नींबू को अच्छे से निचोड़ के डाल देंगे, और सभी को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और लास्ट में हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। और बस लास्ट में महीन वाली सेव जो आती है उसको बस डाल देंगे। सेव डालने से चाट में एक बहुत ही अच्छा सा क्रंचीपन आ जाता है। तो लीजिए, हमारी चाट अब बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी, देखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही है, और टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनके तैयार होती है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, ना ही टाइम लगा, बस फटाफट बनके तैयार हो गई है, और इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो आप लोग इस इफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज की मेरी ये चना चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और जो भी व्यूवर्स नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।